राजीव गांधी युवा मित्र को हटाने पर एसडीएम तेजारा अनूप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने 2021 से 2023 के बीच में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, जिनका मुख्य कार्य था कि वह सभी युवा मित्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब, पीड़ित, वंचित आम आदमी तक घर घर तक पहुँचाने के लिए और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पंचायत विभाग के अतिरिक्त कार्यभार को कम करने के लिए कार्य कर रहे थे। उनके लिए युवा मित्रों को 17,500 रुपए मानदेय के रूप में मिल रहे थे, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को थोड़ा बहुत साथ और सहयोग मिला। इससे सभी बेरोजगार युवाओं का घर खर्चा, परिवार खर्चा, खुद की पढ़ाई लिखाई करने में सहयोग मिलता था और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, जिससे कोई भी पीड़ित व्यक्ति, वंचित आम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं रहे। निरंतर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पंचायत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच की कड़ी बनकर कार्य कर रहे थे। यदि सरकार को राजीव गांधी युवा मित्र नाम से दिक्कत है तो सरकार नाम बदल दे तथा युवा मित्र अटल मित्र नाम रख ले। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बेरोजगार युवाओं के साथ गलत ना करें। जब बीजेपी सरकार ने विद्यार्थी मित्र लगाए थे, जब कांग्रेस सरकार बनी तब इन मित्रों पंचायत सहायक लगाकर उनका मानदेय बढ़ाकर उनको नियमित किया। इधर बीजेपी राजीव गांधी युवा मित्रों को एक आदेश निकालकर वापस बेरोजगार कर दिया है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है और एक दिए हुए बेरोजगार को वापस लेकर युवाओं को और ज्यादा बेरोजगार कर रही है। हम बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर अशोक आर्य, प्रवीण कुमार, राहुल यादव, कुलदीप यादव, जागेश, मीना सैनी, अंकिता गुप्ता, गोविंद, अशोक सैनी उपस्थित रहे।